आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कश्मीर में हाउस बोट, वो भी आप देखकर यकीन नहीं कर सकते कि राजा महाराजा वाली फीलिंग आ रही है यहाँ आने के बाद। तो आज है हमारा कश्मीर में Day 5 और हम लोग आज ज़ारा रिजॉर्ट को करने वाले हैं अलविदा और जाने वाले हैं हाउस बोट में। तो यहाँ पर हम सुबह सुबह गए, ब्रेकफास्ट किया, सबसे पहले हमने पेट की पूजा करी, उसके बाद हमने अपना अपना सामान उठाया और प्रस्थान कर लिया हाउस बोट की तरफ। भाई आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पर कश्मीर में, 5वां दिन, फाइनल डे इन कश्मीर। एंड हम यहाँ पर कश्मीर की मार्केट से होते हुए गए, यहाँ पर घंटाघर भी है, कश्मीर का घंटाघर है भाई, देख लो इसको, 9 बज रहे हैं और ये कश्मीर की लोकल मार्केट है। दोनों माँ बेटी हैं, हम हवा का लुफ्त उठाते हुए आनंद लेते हुए पहुँच गए थे हाउस बोट में। भाई इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था, मतलब समंदर के अंदर आप रह रहे हो पूरे एक दिन और एक रात, सोचो कितना इमेजिनेशन कितना मस्त है। और यहाँ हाउस बोट का नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपका बैठक है भाई, बैठक है और बैठक के आसपास सारी डेकोरेशन वाली चीज़ें लगी हुई हैं। आप यहाँ पर टीवी देखो, टीवी चलाओ, गाने चलाओ, पंखे लगे हुए हैं, हवा खा लो, ठंड, गर्मी का मौसम है, यहाँ भी गर्मी हो रही है इस टाइम तो, लेकिन उतना ठंड नहीं है, नॉर्मल है, आप मतलब पंखा चला सकते हो। और ये है आपका डाइनिंग रूम, यहाँ पर आप खाना खाओगे, सामने लगा है फ्रिज, इसमें रखिए पानी की बोतलें, पानी लो और पियो। लेकिन भाई यहाँ पर पानी ना चार्जेबल है, 40 रुपये की एक बोतल है, बाहर से पानी लाकर आप हाउस बोट में ले जा सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ का पानी पियोगे ना, 20 रुपये वाली बोतल आपको 40 रुपये में मिलेगी, ठीक है। और ये देखो डेकोरेशन का कितना मस्त लग रहा है। इसके बाद आता है हमारा रूम, आपको मैं रूम दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, इसमें ना दो रूम थे, क्योंकि हमारी दो फैमिली थी तो दो रूम थे। पहला रूम ये रहा हमारा जो मैं आपको दिखाती हूँ, इतना सुंदर रूम है ना भाई, बिल्कुल मस्त A1 लग रहा था। यहाँ पर 2 बेड दिए हुए हैं, स्पेस काफ़ी था, लाइटिंग की कोई कमी नहीं है। जिसको वीडियो बनानी है भर भर के वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं तो काफ़ी थक गई थी, इससे ज़्यादा वीडियो मुझसे नहीं बनेगी, ये लास्ट मेरी वीडियो है। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना भाई, मन हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये रहा यहाँ पर शीशा, शीशे में खुद को देखकर तो लग रहा था मोटी आई थी और गोरी आई थी, काली हो गई और पतली भी हो गई यहाँ आके। कश्मीर के लोग तभी इतना सारा क्रीम लगा के रखते हैं। फाइनली आपको दिखाती हूँ मैं बाथरूम, बाथरूम देखकर तो समझ ही नहीं आ रहा था भाई, बाथ टब इतना बड़ा दे रखा है, बिल्कुल फिल्मों वाला बाथ टब दिया हुआ था। पॉट भी दिखा दिया मैंने आपको, आँखें बंद कर लेना जिसको नहीं देखना हो। तो ये देख लो भाई बाथरूम कितना A1 है, मज़े आ गए। यहाँ पर सामान रखा हमने और हम निकल पड़े थोड़ा सा शिकारा राइड करने के लिए, क्योंकि हमारा ना जो हमने पैकेज लिया था उसी के अंदर ये हाउस बोट भी था और 1 घंटे की हमारी शिकारा राइड भी थी। तो हम लोग निकल पड़े हैं शिकारा राइड के लिए। जब हम नाव में बैठे ना भाई साहब, साइड में सामान बेचने वाले आ गए, नाव में ही, नाव समंदर के अंदर ही आपको सामान खरीदने को भी मिल जाएगा, पूरी मार्केट मिल जाएगी, ठीक है। मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई थी क्योंकि काफ़ी थक गई थी मैं। तो यहाँ से ना हमने कुछ सामान खरीदा, क्योंकि भाई जहाँ आए हो तो कोई चीज़ें तो ले ही लेनी चाहिए। मैंने थोड़े इयररिंग लिए थे और रिद्धि के लिए मैंने खिलौना ले लिया था। वापस हम पहुँचे अपने हाउस बोट में तो यहाँ पर डिनर की तैयारी चल रही थी, भैया यहाँ डिनर लगा रहे थे लेकिन लगा नहीं था, लेकिन बच्चे यहाँ पर काफ़ी भूख से परेशान हो गए थे तो इधर से उधर खेल रहे थे। इन लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया, मस्ती की, इतने में हमारा खाना लग चुका था। भाई आपको एक 2 टाइम का खाना देते हैं, ये ब्रेकफास्ट भी देते हैं और लंच भी देते हैं। तो अभी हम ना लंच के टाइम पर आए थे, मॉर्निंग में हमको ब्रेकफास्ट मिलेगा, लेकिन हम लोगों को जल्दी निकलना था दिल्ली के लिए तो हमने बोल दिया था हमें ब्रेकफास्ट नहीं करना है। तो ये देख सकते हो आप, खाना काफ़ी वेराइटी है, आप जितना खाना है ना उतना खाओ, नो टेंशन। यहाँ पर रिद्धि ने लगाया सबके लिए खाना और शाम का नज़ारा ना इतना सुंदर है यहाँ का, पूछो मत। और मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से ना, आपको सामने जो लाइट जल रही है ना, ये है शंकराचार्य मंदिर, जिसका मैंने पहले वीडियो डाला हुआ है। शंकराचार्य मंदिर से ना पूरा श्रीनगर दिखाई देता है, ऐसा लगता है भोले बाबा ना ऊपर से पूरे श्रीनगर पर नज़र रखे हुए हैं। पतिदेव यहाँ पर हम आनंद ले रहे हैं बिल्कुल वादियों का। वैसे ये सारा जो श्रेय है ना अपने पतिदेव को देती हूँ मैं कि कश्मीर घुमा दिया मुझे, क्योंकि शादी से पहले तो मैं कहीं गई नहीं थी, शादी के बाद हमारे पतिदेव ऐश करा रहे हैं हमें।